और देखिए ये जो हमारा चैनल है इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और ये जो हम वीडियो बनाते हैं शेयर कर दीजिए, ताकि जो हम पुराने बंगले हैं जो 1947 से पहले की जो हमारा इतिहास है हम आपको दिखाते रहते हैं। अगर आप शेयर करेंगे तो और लोगों के पास पहुंचेगा, जो हमारा इतिहास है जिंदा रहेगा। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और देखिए वक्त बदल गया, वक्त के साथ हर चीज़ बदल जाती है। 1947 से पहले ये जो हम आपको एक बंगला दिखाने जा रहे हैं जहाँ पर अंग्रेज़ साहब रहते थे, और ये साथ रोज़ गार्डन है जहाँ से पानी की सप्लाई होती थी सारे शहर को। जहाँ पर जाने के वाटर सप्लाई करने के लिए स्टीम इंजन के द्वारा पानी को धक्का लगाकर शहर की तरफ भेजा जाता था। चलिए हम आपको मेयर का हाउस दिखाते हैं जहाँ पर कभी अंग्रेज़ लोग रहते थे। हम कई दिनों से कह रहे थे मेयर साहब आपका बंगला हमने देखना है। ये अंग्रेज़ों के वक्त अंग्रेज़ों ने बनवाया था 1947 से पहले, और इसकी जो बनावट है, जो इसमें बेडरूम, ड्राइंग रूम और जो भी कुछ जहाँ पर है हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। देखिए अंग्रेज़ लोग जब यहाँ रहते थे लुधियाना शहर में, सिविल हॉस्पिटल कहाँ था, उसके बाद रेलवे स्टेशन, उसके बाद तहसील घंटाघर के पास, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उसके बाद जहाँ पर पानी की सप्लाई करने के लिए उन्होंने जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सिस्टम लगाया था। 24 कुएँ होते थे। ये रोज गार्डन के साथ ही हैं हम जहाँ पर। तो पहले हम मेयर साहब से मिलेंगे तो हम जहाँ पर उनका ये जो बंगला है हम आपको दिखा रहे हैं। तो जहाँ पर फर्श तो रेनोवेट हो चुका है, लेकिन ये जितना भी है इस समय ओल्ड, यानी कि उस वक्त जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, ये सब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। करवा दी गई है, लेकिन इसके ऊपर जो पहले लकड़ी के बाले होते थे जिनको बोलते हैं शतीर वगैरह होते थे, वो लगे हैं, लेकिन जहाँ रेनोवेट किया गया है वो रोशनदान पे लगाओ थोड़ा सा, वो देखिए जो रोशनदान है ऊपर, वो उसी वक्त का है 1947 से पहले का। और ये जो लकड़ी के दरवाजे लगे हुए हैं इन साइड, ये भी उसी वक्त के हैं। ये देखिए हम आपको सब दिखा रहे हैं जहाँ पर ये जो हम बंगला आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर रोज गार्डन के पास बना हुआ है, और अंग्रेज़ों ने जहाँ पर जो 24 कुएं बनवाए थे और जहाँ से वाटर की सप्लाई जो शहर को होती थी, एक सुहानी बिल्डिंग और एक दरेसी ग्राउंड के पास 4 नंबर डिवीज़न के पास वाटर टैंक आज भी बने हुए हैं अंग्रेज़ों के वक्त के। तो देखिए इस समय हम आपको ये जो बंगला है, ये उस समय की लॉबी है जहाँ पर, तो चारों तरफ जहाँ पर दरवाजे हैं जहाँ पे। और आप कहीं भी चले जाएं हिंदुस्तान में, जितने भी बंगले हैं जो 1947 से पहले अंग्रेज़ों के द्वारा बनवाए गए थे, तो इसी डिज़ाइन में है। और देखिए विंडो जहाँ लगी हुई है, तो दीवारें जो होती थी 1.5 फुट चौड़ी होती थी उस वक्त। की जगह गार्डर डाल दिया गया है, और देखिए ये 14 फुट जो इसकी ऊंचाई होगी, क्योंकि उस समय पंखे वगैरह नहीं होते थे, तो जो हवा थी नेचुरल जो होती थी रोशनदान के द्वारा और विंडो के द्वारा ही आती थी। तो देखिए जहाँ पर इस समय हम ये जो बंगला जो इस समय जहाँ पर खड़े हैं लुधियाना शहर में, जब जहाँ 1857 में गदर हुआ था, जहाँ रेवोल्यूशन आई थी, विद्रोह हुआ था, तो उस वक्त लुधियाना शहर में भी अंग्रेज़ एंटर हुए थे। तो फिर जहाँ पर वो परमानेंटली सेटल हो गए, तो जहाँ पर उन्होंने लुधियाना में डेवलपमेंट की, क्योंकि वो जहाँ जाते थे डेवलपमेंट करते ही थे। तो और साथ ही एक दरवाज़ा हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप जो भी आज से 100 वर्ष पुराने जो घर देखोगे तो जहाँ पर आपको ऐसे ही मिलेंगे। हम दिखा रहे हैं जो सिविल सर्जन का जो रेजिडेंस है वो भी अंग्रेज़ों के वक्त का बना हुआ है। वहाँ पर भी जो सिविल सर्जन है लुधियाना शहर के वहीं रहते हैं। तो उसके बाद पुलिस कमिश्नर का घर है वो भी अंग्रेज़ों के वक्त का बना हुआ है। और जो हमारे सेशन जज हैं लुधियाना शहर के, उनका भी माल रोड पर जो अंग्रेज़ों के वक्त का घर बना हुआ है। तो मेयर साहब भी अंग्रेज़ों के जो घर हैं उसी में आज भी जहाँ रहते हैं। जितने हमको कमरे जहाँ पर दिखाई दिए, जितने इन्होंने हमें ओपन किए भी देख लीजिए। ये देखिए आर्क बने हुए हैं जहाँ पे, एक प्यारा सा हो बंगला 1947 से पहले जब अंग्रेज़ यहाँ रहते थे ना, जहाँ कोई वादी थी, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो जहाँ रहते थे घोड़े उनके पास होते थे आने जाने के लिए। उस समय ये जो आजकल व्हीकल नहीं होते थे, जो अंग्रेज़ी लोग थे घोड़े पर ही चलते थे, जो अफसर लोग भी होते थे उनके। तो ये देखिए जो बंगला इस समय हम आपको दिखा रहे हैं अंग्रेज़ों का है। ये अंग्रेज़ जहाँ रहते थे किसी वक्त रोज़ गार्डन के पास, इसकी संभाल की गई है। तो आज ये बिल्कुल सही हालत में है। आप अगर जो कि कनाडा कहाँ भी जाओगे तो वहाँ पर जो पुराने ऐसे बंगले या बिल्डिंग हैं उनको संभाल के रखा जाता है, लेकिन जहाँ पर कुछ ही बिल्डिंग जो बची हैं जिनको संभाला गया है, लेकिन बाकी जो प्राइवेट लोगों के हाथों में थे हवेली वगैरह वो भी टूट चुकी हैं। और कुछ सरकारी जो अंग्रेज़ों के वक्त के बिल्डिंग बनी हुई थी वो भी आज बिल्कुल जर्जर हालत में हो चुकी हैं या टूट चुकी हैं। जो बना हुआ है इसके साथ ही यहाँ पर ये जो पार्क बना हुआ है, और इसी रोज गार्डन में ये जो ग्रीन बाउंड्री बनी है इसके पीछे 24 कुएँ थे। और यहाँ पर जो अफसर लोग रहते थे, जो इंजीनियर लोग रहते थे, जिन्होंने यहाँ से वाटर सप्लाई सारे शहर को दी थी स्टीम इंजन चलाकर। तो देखिए आज हमने आपको दिखाया ये जो बंगला बना हुआ है अंग्रेज़ों के वक्त का। अंग्रेज़ों ने आज 1975 साल पहले, यानी कि कह सकते हैं 100 साल पहले, ये जो बंगला बना था। तो यहाँ पर अंग्रेज़ लोग रहते थे जो यहाँ का शासन चलाते थे, और यहाँ पर जो डेवलपमेंट उस वक्त की थी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनवाए, उन्होंने सिविल हॉस्पिटल बनवाए, उन्होंने तहसीलें बनवाई, उन्होंने रेलवे स्टेशन बनवाए उन्होंने। और यहाँ से रोज गार्डन से 24 कुएँ थे जहाँ पर बैलों के साथ पानी खींचकर वो शहर को सप्लाई किया जाता था स्टीम इंजन के द्वारा, भाप बनाकर। जैसे पहले स्टीम से इंजन चलते थे, रेलगाड़ियाँ चलती थी, उसी सिस्टम के द्वारा जहाँ से पानी भेजा जाता था शहर की तरफ। और 2 महीने से ऊपर हो जले हैं हम आपको दिखाना चाहते थे, लेकिन जहाँ बिना परमिशन के तो मेयर साहब की या गवर्नमेंट इस समय जहाँ पर रहती है तो हम ये वीडियो शूट नहीं कर सकते थे। लेकिन हमने सिर्फ यही दिखाया है कि जहाँ पर अंग्रेज़ लोग जिन्होंने जहाँ डेवलपमेंट की थी 100-150 साल पहले उसी का हिस्सा ये एक जो बंगला हमने अभी अब दिखाया है जहाँ पर, तो इस समय जहाँ मेयर साहब रहते हैं, तो अभी हम आपको मेयर साहब से मिलाएंगे। उनसे भी जो बंगला है जहाँ पर मेयर साहब रहते हैं, जो लुधियाना शहर के मेयर हैं, जो गवर्नमेंट का बंगला है। तो मैं सिर्फ मेयर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जो इसकी मेंटेनेंस है, ये आप टाइम टू करवाते रहते हैं क्योंकि जो पुरानी बिल्डिंग है? बिल्कुल कि ये नगर निगम की, अब मेयर की रेजिडेंस नगर निगम की तरफ से बनाया गया है और इसकी बाकायदा मेंटेनेंस होती है। वही पुराना लुक है और मज़ा आता है इसमें रुक के। मेरे को, मैं रात में कभी रुकना, दोपहर को ज़रूर सोता हूँ और गर्मियों में बगैर एसी से भी ये ठंडा रहता है। पुराने अंग्रेज़ों के टाइम की बनी हुई बिल्डिंग है और यूनिक है। देखिए, जहाँ पर रात को जब हम कभी कभार रेस्ट करते हैं, लेकिन दोपहर को कहते हैं, मैं अमूमन जहाँ पर आकर थोड़ी देर आराम करता हूँ, तो जहाँ पर बिना पंखे की इतनी हवा लगती है और इतना आनंद आता है कि जो आज के एसी हैं उनमें इतना आनंद नहीं आता, क्योंकि नेचुरल हवा होती है और नेचुरली जहाँ पर जो वातावरण है उसका आनंद ही कुछ हो रहा है। तो अभी हमने आपको दिखाया लुधियाना शहर में ये बंगला जो अंग्रेज़ों के वक्त बना था।